चराग उठाओ के आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। क्या हुआ अभी, कौन था वो? एक पुराना दोस्त। अच्छा, फिर रुका क्यों नहीं? शायद मुझे पहचाना नहीं। That's strange. ये दुनिया ही स्ट्रेंज है, अक्सर लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। Whatever. ये लो ना, चले। बाबा। क्या है? बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। कल मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो? अगर मैं पास हो गई तो क्या आगे पढ़ाई? एक बार बोल दिया ना, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं लड़की हूँ इसलिए बाबा। बोलिए ना बाबा, जवाब दीजिए। अगर मैं आपका बेटा होती तो क्या तब भी आप मुझे आगे पढ़ने से रोकते? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, एक बार मना कर दिया ना। ठीक है बाबा, बात दीजिए इजाजत, लेकिन इजाजत ना देने का कारण तो बता दीजिए। कुछ तो बोलिए बाबा। और कितना पढ़ेगी, आगे पढ़ के मिलेगा क्या? बाबा, अगर मैं इंजीनियर बनी तो लोग ये नहीं कहेंगे कि विद्या इंजीनियर है, बल्कि सब लोग यही कहेंगे कि मंगत बाबू की बेटी विद्या इंजीनियर है। चार बातें क्या बनाना सीख गई है, बाप के सर पर चढ़ के बैठेगी? नहीं बाबा, आपका सर ऊंचा करूंगी गर्व से। कहते हैं कि अगर एक बेटी पढ़ लिख जाए तो समझो पूरा एक परिवार पढ़ लिख गया। जरा सोचिए बाबा, अगर माँ ने इस उम्र में पढ़ाई लिखाई शुरू ना की होती, क्या वह सरपंच बन के कामकाज संभाल पाती? इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी, अगर ये सब लोग पढ़े लिखे ना होते तो क्या हम लोग इनका नाम जानते? हो गया भाषण, बोल लिया जो बोलना था। अब तू मेरी बात सुन, मंगत की बात का मतलब होता है पत्थर की लकीर। जो कह दिया सो कह दिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तेरी शादी करके तुझे। मुझे शादी से एतराज नहीं है बाबा, पर हर चीज सही वक्त से होनी चाहिए, और ये वक्त है अपने सपनों को पूरा करने का। पढ़ लिख के सपने पूरे नहीं होते, समझे? बाबा, पढ़ लिख कर ही सपने पूरे हुआ करते हैं,
और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी मंजिल जरूर पाकर रहूंगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी आपका, इस घर का नाम रोशन करे? जब फैसला कर ही लिया है तो मुझसे पूछने का क्या फायदा? ताकि मैं आपका आशीर्वाद ले सकूं। जीती रहे जीती रहे, शाबाश बेटी शाबाश। अरे तूने तो पूरे राजपुरा का नाम रोशन कर दिया। वाह वाह वाह, जीती रहे जीती रहे। अरे वो जरा बताना, वो नाच कैसे किया था? वो ये ऐसे ऐसे, ये कैसे था? हाँ बता बता। अरे अम्मा, हाँ ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। अच्छा अच्छा चल, बता कैसे। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद तो मुझे देनी चाहिए तुम्हें। तुम ना होती तो मैं ये कॉम्पिटिशन कभी ना जीत पाती। भाई ये बात तो सही है, हिम्मत बढ़ाई विद्या ने और मेहनत की दिव्या ने। तो इन दोनों की हिम्मत और मेहनत के लिए एक बार तो ताली बनती है। हाँ अरे भाई, हमने जो आशीर्वाद और दुआएं दी तो हमें कोई तालियां नहीं मिलेगी क्या? जा तू लड्डू लेके आ। अरे अम्मा तुम भी हद करती हो, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए क्या तालियां बजवाई जाती हैं? बच्चे लोग, दिव्या की जीत की खुशी में आप सबके लिए लड्डू। दिव्या का एक सपना तो पूरा हो गया, बस अब अल्लाह के मेहर से इसका दूसरा सपना भी पूरा हो जाए। दूसरा सपना? पढ़ाई पूरा करने का। शादी की वजह से इसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। मैं आगे पढ़ तो पाऊंगी ना जीजी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने सब पता कर लिया है ओपन स्कूल के बारे में। तुम मेरे घर आना तो मैं तुम्हें आराम से सब समझा दूंगी, ठीक है? विद्या तुम भी आना ना। विद्या क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? वो रिजल्ट के बारे में सोच रही थी। अरे हाँ, तुम्हारा तो इंजीनियरिंग का रिजल्ट आने वाला है ना, कब आ रहा है? कल।